अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं डिस्टिलेशन की नेक्स्ट मेथड पर, और ये मेथड है एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, स्थिर क्वाथी आसवन। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो मेथड है ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने में यूज्ड होती है। फॉर एग्जांपल रेक्टिफाइड स्प्रिट, ये एक एजोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, इसमें 95.4% एथाइल अल्कोहल और रिमेनिंग परसेंटेज वाटर की होती है। तो इस एजोट्रॉपिक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं मींस एथाइल अल्कोहल और वाटर, इनको सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एजोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसका कंपोजिशन डिस्टिलेशन से पहले और डिस्टिलेशन के बाद चेंज नहीं होता। तो ऐसे मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए सबसे सुटेबल मेथड है, और ये है एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं कि जो रेक्टिफाइड स्प्रिट होता है उसमें से एथाइल अल्कोहल और वाटर को कैसे सेपरेट करते हैं इस डिस्टिलेशन मेथड से। तो क्या किया जाता है बच्चों, कि जो रेक्टिफाइड स्प्रिट होता है ना, उसमें बेंजीन की एक सुटेबल अमाउंट मिला दी जाती है, और फिर इस मिक्सचर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। तो इसमें डिफरेंट टेम्परेचर्स पर 3 फ्रैक्शंस मिलते हैं। इनमें से जो फर्स्ट फ्रैक्शन होता है जो कि 337.8 केल्विन में मिलता है, ये एक टर्नरी मिक्सचर होता है। इस टर्नरी मिक्सचर में जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो एक टर्नरी मिक्सचर होता है, जो कहां पर मिलता है 337.8 केल्विन। इसमें क्या होता है इस फ्रैक्शन में, कि जो रेक्टिफाइड स्प्रिट था उसमें जितना वाटर था वो कंप्लीट बाहर आ जाता है वेपर फॉर्म में, इसके अलावा कुछ बेंजीन और अल्कोहल ये मिले होते हैं। मतलब जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें कंप्लीट वाटर आ गया, कुछ बेंजीन आ गया और इथाइल अल्कोहल, फर्स्ट फ्रैक्शन। फिर इसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन सेकेंड फ्रैक्शन मिलता है वो एक वाइनरी मिक्सचर होता है, जो 341.2 केल्विन में मिलता है। इसमें जितना रिमेनिंग बेंजीन था जो हमने मिलाया था, जो बच गया अभी फर्स्ट फ्रैक्शन के बाद जो बेंजीन बच गया वो कंप्लीट रिमेनिंग बेंजीन होता है और कुछ अल्कोहल होता है। इस तरह से एक बाइनरी जो फ्रैक्शन है, ठीक है, वो मिल जाता है 341.2 केल्विन में। और जो लास्ट फ्रैक्शन है बच्चों, जो 351.3 केल्विन में मिलता है, अब इसमें होता है 100% एथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन करके हमने जो रेक्टिफाइड स्प्रिट था उसमें से वाटर को हटा दिया गया और 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल मिल जाता है या प्राप्त कर लेते हैं। ओके, यही लिखा है, देखो एक बार पढ़ लेता हूं इसको, कि दिस डिस्टिलेशन यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर एंड मेनली यूज्ड फॉर प्रिपेयर एब्सोल्यूट अल्कोहल फ्रॉम रेक्टिफाइड स्प्रिट। ध्यान रखें, यहां पर जो रेक्टिफाइड स्प्रिट होता है बच्चों, ये एक एजोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। मैंने इसका परसेंटेज पहले बता दिया आपको, ठीक है। फॉर दिस पर्पस रेक्टिफाइड स्प्रिट इज मिक्स्ड विद सूटेबल अमाउंट ऑफ बेंजीन, यहां पर बेंजीन मिला दी जाती है, एंड सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसका क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द फर्स्ट फ्रैक्शन, इसमें जो फर्स्ट फ्रैक्शन मिलता है विच डिस्टिल्ड एट 337.8 केल्विन इज अ टर्नरी मिक्सचर कंटेन ऑफ ऑल वाटर, मतलब जो रेक्टिफाइड स्प्रिट में जितना भी वाटर था वो सम अल्कोहल एंड बेंजीन, ये परसेंटेज लिखे हैं बच्चों तीनों। जो फर्स्ट फ्रैक्शन होता है इसमें जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो इस तरह परसेंटेज में होते हैं, वो आ जाते हैं। ओके, फिर आता है सेकेंड फ्रैक्शन जो कि 341.2 केल्विन में है, ये वाइनरी मिक्सचर होता है बच्चों। क्या होता है, वाइनरी मिक्सचर, वाइनरी मिक्सचर मींस जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें होता है ऑल रिमेनिंग बेंजीन, जो बच गया बेंजीन फर्स्ट फ्रैक्शन के बाद, और अल्कोहल। और जो थर्ड फ्रैक्शन मिलता है 351.3 केल्विन पर, इसमें होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल मींस 100% अल्कोहल।
और इस तरह से एजोट्रॉपिक मेथड से हमने जो है अल्कोहल के प्योर स्टेट में प्राप्त कर लिया। ओके, तो आप इसे नोट कर। तो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया स्थिर क्वाथी आसवन। तो ये जो विधि है बच्चों, स्थिर क्वाथी आसवन, ये मुख्यतः स्थिर क्वाथी जो विलयन होता है उसके घटकों को पृथक करने में यूज्ड होती है। समझ गए ना? स्थिर क्वाथी जो मिश्रण है या विलयन है उसके घटकों को पृथक करने में यूज्ड होती है, प्रयोग होती है। जैसे रेक्टिफाइड स्प्रिट होता है बच्चों, परिशोधित स्प्रिट, इसमें अल्कोहल 95.4% और बाकी जो परसेंटेज है वो वाटर का होता है। इस मिश्रण से एथिल अल्कोहल और वाटर दोनों को अलग किया जाता है, क्योंकि जो परिशोधित स्प्रिट है बच्चों, ये एक स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, इसके दोनों घटकों को साधारण आसवन से अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आसवन के बाद जो हमें डिस्टिल मिलेगा, ठीक है, जो हमें मिश्रण मिलेगा आसवन के बाद, उसका संघटन और आसवन से पहले जो परिशोधित स्प्रिट है उसका संघटन एक सा होता है। तो सिंपली हम साधारण आसवन से इन अल्कोहल और वाटर को अलग नहीं कर सकते, तब इसके लिए ये मेथड यूज होती है। इसमें क्या किया जाता है, जो परिशोधित स्प्रिट है ना बच्चों, उसमें बेंजीन मिलाई जाती है और फिर इसके बाद इसका प्रभाजी आसवन करते हैं। तो तीन प्रभाज मिलते हैं। प्रथम प्रभाज इसमें ये टर्नरी मिक्सचर होता है, मतलब तीन घटक होते हैं और इसमें एक संपूर्ण जल होता है, बेंजीन होती है, मतलब जितना जल था परिशोधित स्प्रिट में वो तो निकल आया, और बेंजीन और अल्कोहल, ये परसेंटेज होती है लिखी हुई है 7.4, 74.1 और 18.5% किसका, अल्कोहल और बेंजीन और ये है ना। फिर दूसरा प्रभाज मिलता है 341.2 केल्विन पर, बाइनरी मिक्सचर, जिस दो घटक होते हैं, बेंजीन जितना बच गया था इस बार इसके बाद और थोड़ा सा अल्कोहल। और जो लास्ट प्रभाज मिलता है 351.3 केल्विन में, यहां पर 100% अल्कोहल मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिर से समझ लो, यहां पे लिखा है इस विधि में स्थिर क्वाथी मिश्रण के घटकों को पृथक करने में प्रयोग होती है। इस विधि द्वारा प्रयोग मुख्यतः परिशुद्ध अल्कोहल को परिशोधित स्प्रिट, मींस ये एक स्थिर क्वाथी विलयन होता है, से प्राप्त किया जाता है। इसमें परिशोधित स्प्रिट में बेंजीन मिलाकर और इसका प्रभाजी आसवन करते हैं तो तीन प्रभाज बनते हैं, जो मैंने आपको बताया। प्रथम प्रभाज जो एक टर्नरी मिक्सचर है, द्वितीय प्रभाज जो बाइनरी मिक्सचर है, और तृतीय प्रभाज जो परिशुद्ध अल्कोहल। इस तरह से लास्ट में जो थर्ड फ्रैक्शन मिलता है, तृतीय प्रभाज, उसमें हमें 100% अल्कोहल मिल जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, जब आप अल्कोहल चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां पर ये मेथड आती है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं काफी। ओके, तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान दें, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, या इसी को बोला गया है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, विभेदी निष्कर्षण या विलायक निष्कर्षण। तो देखो बच्चों, ये मेथड जनरली ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होती है जो वाटर सॉल्युबल हो, या फिर सॉलिड स्टेट में हो, या फिर बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव हो, जैसे कि एसेंशियल ऑयल्स होते हैं या कुछ और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो उनको जनरली अगर वो हीट सेंसिटिव होंगे तो उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन या स्टीम डिस्टिलेशन, इस तरह की मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। तो ये मेथड उनके सेपरेशन के लिए सबसे सूटेबल मेथड है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो हीट ही नहीं दी जाती। ओके, इसमें क्या किया जाता है कि ये जो मेथड है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, मतलब जो इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका क्या बनाया जाए, एक्वस सॉल्यूशन। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उस एक्वस मीडियम में वाटर सॉल्युबल हो जाता है। तो मेन कंडीशन है कि वाटर सॉल्युबल हो, पहली बात। तो फिर क्या किया जाता है कि इस एक्वस सॉल्यूशन में एक प्योर सॉल्वेंट डाला जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसके लिए मेन रिक्वायरमेंट है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना बच्चों,
वो वाटर सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस लेयर में है या एक्वस मीडियम में है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस मीडियम के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए। तो ऐसा जब किया जाएगा कि एक्वस सॉल्यूशन के साथ जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाते हैं ना बच्चों, और अच्छी तरह से इसको हिलाते हैं, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस मीडियम में था वो एक्सट्रैक्ट होके कहाँ आ जाएगा, इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है कि एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया उनका जो रेशियो है वो हर बार डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब पहली बार जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अगर हम एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद उस सॉल्वेंट को हटा लें, दोबारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाएं, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन उसी रेशियो में होगा जैसा फर्स्ट में हुआ था। और ऐसा कई बार सॉल्वेंट मिला के, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिला के, और जो एक्वस मीडियम में ऑर्गेनिक कंपाउंड था ना बच्चों, उसे बार बार हम किसके द्वारा, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। और इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को अलग करके और फिर उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाहर निकाल लिया जाता है। ओके, और यही मैंने लिखा है देखो यहां पर कि दिस मेथड यूज्ड टू सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओके प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशंस। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में कब होंगे, जब वो वाटर सॉल्युबल हो। ओके, वाई सेकिंग विद सूटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और एक्वस सॉल्यूशन के साथ एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का शेकिंग की जाती है, उसके साथ मिलाकर अच्छी तरह हिलाया जाता है, इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल देन वाटर। और ये जो सॉल्वेंट बच्चों यूज होगा, इसका ध्यान रखें, ये ऐसा सॉल्वेंट होता है जो वाटर इनसॉल्युबल हो और ऑर्गेनिक कंपाउंड को ज्यादा डिजोल्व करे। ओके, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज दैट द शुड बी इमिसिबल विद वाटर, ये तो मैंने पहले बता दिया, सो दैट ऑर्गेनिक एंड वाटर लेयर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड। तो ऐसे में दो लेयर्स बन जाएंगी, एक्वस मीडियम से ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल कर कहां आ गया बच्चों, उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, अब आता है कि ये जो एक्सट्रैक्शन है, इसकी जो एफिशिएंसी है, मतलब कितना ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट किया जा सकता है, तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेपरेशन जो है स्टेप्स। मतलब एक ही सॉल्वेंट को जितनी ज्यादा इंस्टॉलमेंट में यूज करेंगे ना बच्चों, उतना ज्यादा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बाहर आ जाएगा। मतलब अगर हम सपोज आपके पास 500 ml ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आपने एक बार ही यूज कर लिया, तो हो सकता है कि 50% ही डिस्ट्रीब्यूट हो, 50% एक्वस मीडियम में रह जाए और 50% निकल के कहाँ आ गया बच्चों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसका, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार यहाँ पर जो रेशियो है इनका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और वाटर में, ये कॉन्स्टेंट होता है, तो एक बार 50-50 डिवीजन हो गया, एक बार में ही आपने यूज कर लिया तो 50% ही निकला। अब इसी सॉल्वेंट को आप दो इंस्टॉलमेंट में यूज कर लो, तो एक बार वो 50% डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, फिर दोबारा उसी का सॉल्वेंट को दो इंस्टॉलमेंट में यूज किया, तो एक बार 50% उसने डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल लिया, फिर बाकी जो बची सॉल्वेंट की सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसका यूज कर दिया, तो वो फिर 50% को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो इस तरह से 75% क्या हो गया, एक्सट्रैक्टेड हो गया। अब इसी को आप 4 इंस्टॉलमेंट में चेंज कर दें तो और ज्यादा एक्सट्रैक्टेड हो जाएगा, और ज्यादा, तो जितना ज्यादा आप एक ही सॉल्वेंट के जितने ज्यादा इंस्टॉलमेंट बना के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड उतना ज्यादा ही क्या होगा बच्चों, एक्सट्रैक्टेड होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि दो इमिसिबल लेयर्स के बीच में किसी थर्ड कंपोनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। और इसी बेस पर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम जो सॉल्वेंट है उसकी इंस्टॉलमेंट बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्टेड कर सकते हैं। तो यही लिखा है कि द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सट्रैक्शन इज रिपीटेड। ओके, आपने कितनी बार रिपीट किया। Thus, with a given volume of solvent, larger the number of extraction used, more the amount of organic solvent. Larger the number of extraction means installment. समझ गए बच्चों कि हम जितने ज्यादा installment use करेंगे solvent की, उतना ही ज्यादा क्या होगा, organic solvent निकल सकता है। Okay, तो
पहले आप इसे नोट करें। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया विभेदी निष्कर्षण। तो देखो बच्चों, ये जो विधि है ये मुख्यतः तब यूज होती है जब कार्बनिक यौगिक एक तो जल में मिले हो, ठोस अवस्था में हो जो आसानी से जल में घुल जाए, और तीसरा है कि ज्यादातर जो हीट सेंसिटिव होते हैं, मतलब जो ऊष्मा के प्रति बहुत अधिक प्रभावी होते हैं, प्रभावित होते हैं ऊष्मा से, जल्दी विघटित हो जाते हैं, उनका सेपरेशन इस मेथड से किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक इम्प्योर है या हमें जिसे सेपरेट करना है उसका एक जली विलयन बनाते हैं, और जली विलयन में फिर एक ऐसा सॉल्वेंट मिलाते हैं कार्बनिक विलायक जो जल में एबले हो, और अच्छी तरह से उसको हिलाते हैं विलयन के साथ। ये जो कार्बनिक विलायक है बच्चों, इसकी विशेषता ये होनी चाहिए कि एक तो जल में एबले हो और दूसरा कार्बनिक यौगिक जो पानी में घुला है उससे कहीं ज्यादा मात्रा में वो कार्बनिक विलायक में वो कार्बनिक यौगिक को घोल सके, अपने आप में घोल सके, समझ गए ना। और इस तरह से अच्छी तरह से हिलाकर और फिर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं विलयन, दो परतें बन जाती हैं, इन परतों को सेपरेट करके और कार्बनिक यौगिक को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। इस विधि की जो दक्षता है, मतलब इस विधि में कितना अधिक मात्रा में हम कार्बनिक यौगिक को निकाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने जो भी सॉल्वेंट आपको ऑर्गेनिक दिया गया है उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट यूज कर रहे हैं। जितना ज्यादा एक गिवन जो हमें सॉल्वेंट की जो अमाउंट दी है, हम उस सॉल्वेंट को जितनी अधिक किस्तों में प्रयोग करेंगे ना बच्चों, कार्बनिक विलायक उतना ही अधिक कार्बनिक यौगिक को निकाल सकता है, निष्कर्षित कर सकता है। क्योंकि एक वितरण नियम है कि दो अमिश्रणीय परतों के बीच में किसी तीसरे घटक का जो वितरण है ना, तो उस वितरण का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। जैसे मान लो आपने एक बार ही विलायक यूज कर दिया 1 लीटर या 500 ml, तो मान लो 50% ही कार्बनिक विलायक जल से निकलकर कहां आ गया, कार्बनिक विलायक में, मतलब कार्बनिक यौगिक जली विलयन से निकलकर 50% कहां आ गया, कार्बनिक विलायक में, तो 50% ही निकाल पाओगे। अब उसी सॉल्वेंट को आप दो किस्तों में यूज कर दो, तो एक बार 50% निकाल देगा, फिर अगली बार जब दूसरा इंस्टॉलमेंट यूज करोगे तो फिर 50% निकाल देगा, ऐसा 75% निकाल लोगे, और ऐसा जितनी ज्यादा किस्तों में यूज करोगे ना उतना ही ज्यादा कार्बनिक विलायक से, सॉरी कार्बनिक यौगिक उतनी ही अधिक मात्रा में निष्कर्षित हो जाता है। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि यह विधि जल में घुलित कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण में प्रयोग की जाती है। इसमें कार्बनिक यौगिकों के जली विलयन में कार्बनिक विलायक मिलाया जाता है, ठीक है, जिससे कार्बनिक यौगिक अधिक विलेय होता है, मतलब ऐसा विलायक मिलाया जाता है जिसमें कार्बनिक यौगिक अधिक विलेय होता है, और फिर इसे अच्छी तरह हिलाया जाता है। कार्बनिक विलायक जल में एबले होता है, इससे दो परतें बन जाती हैं, इन परतों को पृथक करके कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर लिया जाता है। इस विधि की दक्षता निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त पदों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी दिए गए कार्बनिक विलायक का जितनी अधिक किस्तों में प्रयोग किया जाए उतना ही अधिक कार्बनिक यौगिक निष्कर्षित हो जाता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। तो देखो बच्चों, इस तरह से ये मेथड यूज होती है। ये है एक सेपरेटिंग फनल, मतलब इस तरह की एक फनल होती है, सेपरेटिंग फनल, ओके, और इसमें रखा जाता है पहले एक्वा सॉल्यूशन, किसका रख दिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक यौगिक का जली विलयन इसमें भर दिया गया। सपोज ये हम देखें कि हम ये कहें कि ये इसमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके, हम इस तरह से समझें, और इसमें फिर मिला दिया गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक विलायक, समझ गए बच्चों, ये क्या है, कार्बनिक विलायक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिला दिया गया, ये है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस दोनों मिक्सचर के, ये दोनों को अच्छी तरह से शेकिंग किया जाता है, अच्छी तरह से हिलाया जाता है, शेकिंग विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ओके, तो इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ अच्छी तरह से शेकिंग किया गया और कुछ समय के लिए स्टैंड करके रख दिया गया, इसको स्थिर करके रख दिया गया बच्चों। ऐसा करने से ये दो लेयर अब फिर अलग हो गई। अब ये हम ये कहें कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं
इस तरह से कहां चले गए बच्चे, एक्वस मीडियम से निकले और इस तरह से ये ऑर्गेनिक लेयर में चले गए। एक बार चलेगा, इस लेयर को अलग कर लिया जाता है, फिर दोबारा इसमें क्या मिलाया जाएगा, प्योर सॉल्वेंट, फिर शेकिंग की जाएगी, फिर यहां से कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल निकलेंगे और यहां चले जाएंगे। ऐसा बार बार करने से जो एक्वस मीडियम था उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो निकल निकल के बाहर आ जाएगा। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, समझ गए बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि दो नॉन मिसिबल जो लिक्विड्स हैं या जो एबलीय द्रव है बच्चों, ठीक है, नॉन ठीक है, या कहें कि इमिसिबल दो लिक्विड्स हैं, अगर उनको एक साथ रखा जाए और कोई तीसरा कंपोनेंट दिया जाए जो दोनों लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, दोनों लेयर्स में सॉल्यूबल हो, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेंट्रेशन है ना बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब ये होगा कि सपोज यहाँ 4 मॉलिक्यूल थे, या हम ये कहें कि इसमें 100 थे, कुछ भी थे, इनमें से 50% निकल के यहाँ चले गए, तो पहला रेशियो 50/50 रहा, ओके। फिर दोबारा आपने सॉल्वेंट मिलाया, फिर इसमें जो बचा हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड था फिर उसका 50% चला गया, तो इस तरह से फिर रेशियो कांस्टेंट रहेगा। फिर अगला तीसरी बार इंस्टॉलमेंट यूज किया आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, फिर 50% एक्सट्रैक्टेड हो गया। ऐसा करने से तो हर बार 50% का रेशियो तो वो कांस्टेंट रहेगा। सपोज हम ये माने कि पहले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और ये है एक्वस सॉल्वेंट में, पहले 4:4 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर 2:2 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर 1:1 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो आप देखोगे इनका रेशियो कांस्टेंट बना रहेगा। इसमें आप ये जो सॉल्वेंट है एक बार यूज करोगे पूरा सॉल्वेंट तो उतनी अमाउंट एक्सट्रैक्टेड नहीं होगी, उसी सॉल्वेंट को 2 इंस्टॉलमेंट में यूज कर दोगे ज्यादा सेपरेशन हो जाएगा, 3 इंस्टॉलमेंट में और ज्यादा सेपरेशन। तो जितना ज्यादा आप इंस्टॉलमेंट यूज करोगे बच्चों उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट हो सकता है इस लॉ के अनुसार, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार हर बार जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंट बना रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो यहां तक बात समझ गए होगे। अब आते हैं एग्जांपल में, तो देखो इस मेथड से बेंजोइक एसिड का वाटर से एक्सट्रैक्शन किया जाता है थ्रू बेंजीन सॉल्वेंट, मतलब पानी में बेंजोइक एसिड घुला हो और उसमें आप बेंजीन मिला दें तो बेंजोइक एसिड वाटर से निकल के कहां चला जाएगा, बेंजीन में, तो बेंजोइक एसिड का सेपरेशन किया जाता है। एनिलीन का वाटर से सेपरेशन किया जा सकता है थ्रू ईथर के, ऐसे ही जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं बच्चों, जो फूल होती हैं, पत्तियां होती हैं, इनमें जो सुगंधित पदार्थ होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, इनका भी एक्सट्रैक्शन इसी मेथड से किया जाता है, क्योंकि ये जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, इत्र जिनको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं, तो उनको अगर हम वेपोराइज्ड करके निकालें तो वो हो सकता है डिकम्पोज हो जाए उनकी स्मेल, या हम उसकी कहें कि जो ऑर्डर है वो खराब हो सकती है, तो फिर इसके लिए ये मेथड यूज होती है। इसमें जो कंपाउंड है उसको बिल्कुल हीटेड नहीं किया जाता, बस एक्सट्रैक्टेड किया जाता है। तो ये जो है ये था हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ओके। तो इतना नोट करें, अब हम लास्ट जो मेथड लेंगे सेपरेशन की और वो है क्रोमेटोग्राफी। इस साल एक क्वेश्चन आया है नीट में क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड, आप देखोगे पेपर क्रोमेटोग्राफी में, पार्टीशन क्रोमेटो